हेलो गाइस, वेलकम टू एटॉमिक स्टडी। इन दिस वीडियो हम आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि जो है ये फोर्थ सेमेस्टर का है। और इससे पहले भी मैंने जितने भी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का जितना भी क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सबको सॉल्व कर रखा है हर सेमेस्टर का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का। सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दोज क्वेश्चन पेपर, देन यू कैन व्यू इन माई प्रीवियस वीडियो। और ये इसका हिंदी वर्जन आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपका आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लास ए तथा क्लास बी कम्यूटेशन में रेजोनेटिंग सर्किट को डैश किया जाना होता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो क्लास ए एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर होता है, वो रेजोनेटिंग सर्किट में उसका सिग्नल कैसा बिहेव करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्या वो ओवर डैम्प्ड होगा या क्रिटिकली डैम्प्ड होगा या अंडर डैम्प्ड होगा या नेगेटिवली डैम्प्ड होगा। तो हमें पता है कि क्लास ए या क्लास बी एम्पलीफायर में अगर हम सिग्नल पे यहाँ पे ऐसे इनपुट देंगे तो उसके आउटपुट पे क्या होगा कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। तो इस प्रकार के ओसिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डैम्प्ड ओसिलेशन। तो ये क्या है, अंडर डैम्प्ड ओसिलेशन। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर में रेजोनेटिंग सर्किट में हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अंडर डैम्प्ड कंडीशन में होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीज इन क्लास ए क्लास बी एम्पलीफायर इफ द क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर विल बी इन रेजोनेटिंग सर्किट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में पावर फैक्टर क्या होता है, अप्रभावित रहता है कि फायरिंग एंगल में अल्फा में वृद्धि हो जाती है या फिर अल्फा में वृद्धि होने पर विकृति हो जाती है, या इसका अल्फा से कोई संबंध नहीं होता। तो अल्फा क्या है हमारा, ये है फायरिंग एंगल। तो पूछ रहा है कि फेज कंट्रोल रेक्टिफिकेशन में, अगर हम फेज कंट्रोल रेक्टिफिकेशन करते हैं तो पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें पता है कि पावर फैक्ट ये जो हमारा अल्फा होगा, तो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इसका जो है, पहले ऑप्शन से इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि अल्फा में वृद्धि होने पर क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है। ओके, अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, जो कि ये कॉस अल्फा होती है। और प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान होता है एक, बिकॉज ऑफ रिएक्टिव पावर हमारी क्या होती है, जीरो। इसी तरह इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि ट्रू पावर हमारी क्या होती है, जीरो। और ऐसे ही कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो हमारा पावर फैक्टर उसमें भी जीरो होता है, बिकॉज ऑफ ट्रू पावर इज आल्सो जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो डायोड का इस्तेमाल करते हुए वेव रेक्टिफायर की तुलना में फोर ब्रिज रेक्टिफायर का प्रमुख लाभ क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, राइट, ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार की शेप होती है। यहाँ पे डायोड लगा होता है और दो डायोड यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, राइट। तो इसमें पूछ रहा है कि ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक यहाँ डायोड लगा होता है, एक यहाँ डायोड लगा होता है, ये आउटपुट होता है और यहाँ से हम सेकेंडरी से जुड़ा होता है। तो पूछ रहा है कि ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर और ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। तो पूछ रहा है कि जो दो डायोड का इस्तेमाल करते हुए फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में फोर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का क्या लाभ है, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है क्या लाभ है, हम क्यों इसमें चार डायोड यूज करते हैं जब हमारा दो से ही काम चल जाएगा, इसका लाभ क्या है, फायदा क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पूछ रहा है कि उच्च धारा का वहन, निम्न पीक इनवर्स वोल्टेज की जरूरत, निम्न रिपल फैक्टर या उच्च कार्यक्षमता। तो हमें पता है कि जो ये आपका जो फोर ब्रिज, जो फोर डायोड वाला ब्रिज रेक्टिफायर है, उसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है वो हाफ होती है एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इसकी जो है ब्रिज रेक्टिफायर की पीआईवी हाफ होती है फुल वेव रेक्टिफायर से। अगर हम ये ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज यानी कि पीआईवी होती है वीएम, और अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें
ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसकी पी आई वी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज होती है आपका 2 VM। ओके 2 VM। अगर हम और इसकी पहले समझते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज ऑफ अ डायोड, यानी कि किसी डायोड में इसकी जब ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो, यानी कि ये पी है तो अगर इसे हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो डायोड में जो भी करंट फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पी रिवर्स का मतलब होता है ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो। रिवर्स बायस का अगर हम रेक्टिफायर की बात करें तो जो हमारा रेक्टिफायर होता है, यहाँ पे कई बार टर्म्स आ गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये होता है एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज होते हैं, और जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का ही पार्ट है, और वेव इसमें जो है आपका 4 डायोड यूज होते हैं। राइट, पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो हम ये इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यूज होता है। ओके, तो ये था आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर जो है ज़्यादा बेटर है फुल वेव रेक्टिफायर से, क्योंकि उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज, देखिए पीक इनवर्स वोल्टेज जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा होता है। ओके, तो अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर रिपल फैक्टर की भी बात करें, तो रिपल फैक्टर आपका फुल वेव रेक्टिफायर में जो होता है 2F होता है, 2F होता है, और इसमें आपका दोनों में भी 2F होता है रिपल फ्रिक्वेंसी। ओके, ऐसे ही अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करें तो दोनों में इक्वल होता है। बहुत देखिए बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में, जैसे दोनों का पावर फैक्टर 1.1111 होता है, और दोनों का जो पीक फैक्टर है फुल वेव का भी √2 होता है और हाफ वेव का भी √2 होता है। ओके, तो अगर हम इसकी डीसी करंट या आईएमएस करंट की बात करें तो दोनों में भी वो सेम होता है IM अपॉन √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इस पे जो है रेक्टिफायर पे पहले ही वीडियो बना रखी है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जाके चेक कर सकते हैं, इसका पूरा जो डिटेल है आपको उस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल रिसीवर के रूप में किया जाता है, एपीडी, टनल डायोड, लेजर डायोड या एलईडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ का, कि जो है एपीडी जो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है रिसीवर के रूप में, ऑप्टिकल रिसीवर के रूप में। अब हम क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एपीडी है क्या चीज़। ओके, तो एपीडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है एपीडी का एवलांसे फोटो डायोड। ओके, और इसका कार्य होता है लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। किस पे कन्वर्ट करती है? कन्वर्ट लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा एवलांसे फोटो डायोड। और अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि एपीडी का प्रिंसिपल क्या है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफेक्ट पे काम करती है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? ये की थी आइंस्टाइन ने। ओके, तो और एपीडी के खोजकर्ता कौन है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एपीडी की खोज किसने की थी, एवलांसे फोटो डायोड की, तो इसके खोजकर्ता हैं आपके जून इच इची ECHI। इसकी खोज 1952 में इन्होंने की थी। राइट, और जून इसी कहाँ के साइंटिस्ट हैं? ये हैं आपके जापान के साइंटिस्ट। ओके, तो इस एपीडी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम OFC की बात करें, कभी वही पूछ लेते हैं OFC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और OFC में रिसीवर जो है एपीडी यूज होता है। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि अगर ये सेम क्वेश्चन हो और पूछ दे कि निम्न में से किसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में रिसीवर ना कहीं कह के यहाँ पे कह दे कि ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर का यूज किस में होता है? तो वो होता है एलईडी का ट्रांसमीटर के रूप में यूज होता है OFC में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एज अ ट्रांसमीटर यूज होता है एलईडी, और एज अ रिसीवर यूज होता है हमारा एपीडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, तो ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।
हाँ, और ये एपीडी जो है एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रकाश में परिवर्तित करता है, और एपीडी क्या करता है, ये प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। एसएमपीएस का रूपांतरित, एसएमपीएस रूपांतरित करता है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में दे रखा है इसने डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, और एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एसएमपीएस जो है ये आपका एसी को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, इसका जो फुल फॉर्म होता है एसएमपीएस का वो होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, और ये पीसी को जो है, ये जो हमारा यूज होता है वो हमारा कंप्यूटर में यूज होता है। ओके, तो हम जो है कंप्यूटर है हमारा, उसे हम डायरेक्ट जो है एसी जो लाइन हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट एसी, तो हम इसे अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एसएमपीएस लगा देते हैं। पहले हमारी एसी जो है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी इसमें जाती है एसएमपीएस में, और ये डीसी में कन्वर्ट कर हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करती है। तो इसका काम है हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करना, इसीलिए इसका नाम जो है स्विच मोड पावर सप्लाई है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है आपका, उस डिवाइस का नाम बताइए जिसका उपयोग स्क्रीन पर या अन्य समतल सतहों पर वीडियो, इमेज या कंप्यूटर डेटा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन है एलसीडी प्रोजेक्टर, टीवी, रडार या उपरोक्त सभी। तो हमको पता है कि जो एलसीडी है हमारी, ओके, एलसीडी प्रोजेक्टर जो होती है, जो प्रोजेक्टर हम यूज़ करते हैं, वो पढ़ाई के लिए हमने स्कूल्स कॉलेज वगैरह में देखा होगा कि पढ़ाई के लिए जो ये जो है यूज़ की जाती है, और ये जो है समतल सतह पे जैसे दीवार होगी या फिर पर्दा हो गया उसके ऊपर जो क्या करती है, ये वीडियो को रिफ्लेक्ट करती है, प्रोजेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा आपका। एलसीडी वो डिवाइस है जो किसी समतल सतह पे वीडियो या इमेज को डिस्प्ले करती है। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रोजेक्टर के डैश का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोजेक्ट की हुई डिस्प्ले के आकार को नियंत्रित करने के लिए प्रोजेक्टर इंस्टॉल करना होता है। थ्रो रेशियो में, एस्पेक्ट रेशियो में, इंटर रेशियो में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, थ्रो रेशियो में। थ्रो रेशियो होता क्या है कि अगर हम, थ्रो रेशियो का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो 2:1 है। ओके, तो अगर हम प्रोजेक्टर को स्क्रीन से 14 फिट की दूरी पर रखें, यानी कि दीवार और स्क्रीन की जो जो स्क्रीन की दीवार है और जो प्रोजेक्टर है इनके बीच की दूरी कितनी है, 14 फिट, यानी कि 14 फिट दूरी पर रखें, तो डिस्प्ले की चौड़ाई कितनी होगी, ये जो इसकी चौड़ाई है कितनी बड़ी बनेगी, तो ये बनेगी आपकी 7 फिट की। ओके, यानी कि 2:1 का मतलब है कि 14 की अगर दूरी है तो 7 का जो है पिक्चर बनेगा, ये होता है, इसी को हम बोलते हैं थ्रो रेशियो। मतलब कितनी दूर से हम जो है, कितना जितना ही दूर ले जाएंगे प्रोजेक्टर को उतना इसका साइज बड़ा होता जाएगा, और जितना ही पास लाएंगे प्रोजेक्टर को उतना ही इसका साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो इस फंक्शन पे काम करता है हमारा प्रोजेक्टर। तो जब आकार जो है, यहाँ पे आकार की बात कर रहा है कि आकार को कैसे कंट्रोल करते हैं हम, तो थ्रो रेशियो से कंट्रोल करते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम थ्रो रेशियो को की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, आकार रेट भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे थ्रो रेशियो की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, हमारा आकार उसका क्या हो जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हम थ्रो रेशियो से है डिस्प्ले के आकार को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस लैंप का नाम बताइए जिनमें छोटे स्थान में अत्यंत भारी मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ओके, तो कौन से ये लैंप होते हैं, क्या ये मेटल हैलाइड लैंप है, या फिर सामान्य लैंप है, या प्लॉय इंक्रोल लैंप है, या सभी हैं। तो जो छोटे स्थान में अत्यंत हैवी लाइट प्रोड्यूस करती है वो है हमारा मेटल हैलाइड लैंप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ए, यानी कि मेटल हैलाइड लैंप क्या करती है, ये छोटे से स्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्टर प्रायः फ्यूरियर डोमेन में लाइट प्रोसेस करते हैं जो ऑप्टिकल एब्रेशन के संसाधन में सक्षम बनाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एल्कोज प्रोजेक्टर, सीआरटी प्रोजेक्टर, लेजर प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो फ्यूरियर डोमेन में, फ्यूरियर डोमेन एक एरिया होता है, अगर हम उसमें लाइट को इमिट करते हैं, डालते हैं, तो क्या ये इसे कंट्रोल कर सकता है, क्या ये इसे संशोधन में सक्षम बनाता है, क्या इसमें संशोधन कर सकता है, चेंजेस ला सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा जो है एब्रेशन है जो इसे सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एल कोज जो है इसे सक्षम बनाता है फ्यूरियर डोमेन में लाइट को प्रोसेस करने में। कौन कैपेबल है? तो ये हो है आपका एल कोज। एल कोज का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन। ओके, सॉरी, इसका फुल फॉर्म आपका ये हो जाएगा, हाँ, लिक्विड क्रिस्टल ऑन सिलिकॉन हो जाएगा, राइट है। और अगर हम एल्कोज प्रोजेक्टर की बात करें तो ये फ्यूरियर डोमेन में लाइट डिस्ट्रीब्यूशन को एक एक क्रिस्टल होता है जिसका नाम होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होता है आपका जरनाइक पोली नोमियल, ऐसा कुछ करके होता है, जरनाइक पॉलिनोमियल। तो ये उसी की सहायता से जो क्या करता है, लाइट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अरेंज करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9th का ए। नेक्स्ट है कि जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट के रोटेशन का अर्थ क्या है, मतलब कोई जियो सिंक्रोनस लाइट जो है अर्थ के जो है रोटेट कर रही है चारों ओर, तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इसे हम स्थिर स्थिति बहाव कहते हैं, या बॉबिंग कहते हैं, या थ्री एक्सिस स्टेबलाइजेशन कहते हैं, या थ्री डायमेंशनल स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं बॉबिंग, यानी कि जब जो हम ये हमारी पृथ्वी है, और जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट मतलब एक ऐसा सेटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर 24 घंटे चक्कर लगाता रहता है। ओके, तो ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट को हम कहते हैं, ये जो ऑर्बिट होती है इस ऑर्बिट को हम कहते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ओके, और इसके घूमने को क्या कहते हैं कि ये बोविंग कर रहा है, यानी कि इसके चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोविंग कर रहा है। तो जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट अगर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस प्रक्रिया को बोविंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य का नॉइज टेम्परेचर कितने डिग्री केल्विन से अधिक होता है। ओके, तो हमें पता है कि जो सूर्य का नॉइज टेम्परेचर है वो होता है 1 लाख जो है डिग्री केल्विन से ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन सेटेलाइट के भीतर के रिपीटर्स को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो होती है उसके भीतर जो रिपीटर्स लगे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसे हम ट्रांसीवर्स कहते हैं, या ट्रांसपोंडर्स कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं, TWT कहते हैं। ओके, तो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट में जो मल्टीपल रिपीटर्स होते हैं, एक रिपीटर तो होता नहीं है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट में बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं, और उन सभी को क्या कहते हैं, हम ट्रांसपोंडर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का बी, यानी कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट के भीतर जो रिपीटर्स उपस्थित होते हैं उन्हें हम ट्रांसपोंडर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है कि ट्रांसपोंडर एक सेटेलाइट इक्विपमेंट होता है जो अर्थ स्टेशन को सिग्नल प्रदान करता है और एम्पलीफाई करता है, प्राप्त सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को परिवर्तित करता है, प्राप्त सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट करता है, या उपरोक्त में से उल्लेखित सारे फंक्शन करता है। तो आपका ये हो जाएगा कि जो हमारा ट्रांसपोंडर होता है वो अर्थ स्टेशन से सिग्नल प्राप्त करता है, सही है, प्राप्त सिग्नल को की फ्रिक्वेंसी में चेंजेस भी कर सकता है और उसे ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि सारे स्टेटमेंट इज ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रौद्योगिकी का नाम बताइए जिसमें बेहतर गुणवत्ता वाले सैटेलाइट सिग्नल के साथ साथ अधिक संख्या में चैनल प्रदान करते हुए लोकल केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए विकसित किया गया था। ये कौन सा टेक्नोलॉजी था? क्या ये डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी था, डायरेक्ट टू ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी था, सैटेलाइट था, सैटेलाइट सिग्नल था, या उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि जो है हम बहुत ज़्यादा संख्या में चैनल कब आने लगे, पहले आता था नेशनल आता था, तो नेशनल में ओनली वन चैनल आता था, डीडी नेशनल, ओके। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास आ गया है D2H, जो बहुत सारी कंपनियों ने बना लिया है, जैसे कि आपका जो है एयरटेल है, टाटा स्काई है, डिश टीवी है, और भी बहुत सारे, रिलायंस है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे चैनल आने लगे हैं। तो ये हमारा है D2H, या DTH बोल सकते हैं, डायरेक्ट टू होम इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को अन्य भाषा में डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट भी बोलते हैं, और ये सैटेलाइट सिग्नल भी कहलाता है। तो D2H के ही बहुत सारे नाम हैं, ओके। इसको हम DBS कहते हैं, DBS। DBS का मतलब क्या है D2H को? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो ये सारे कथन जो क्या है सही है, यानी कि हम उसे डायरेक्ट टू होम कहें, या DBS कहें, या सैटेलाइट कहें, इन सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी D2H है। और DTH जो है हमारा, DTH ही बहुत सारे सिग्नलों को क्या करता है, हमारे बीच लोकल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं के साथ लेकर आया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीना को अधिक डायरेक्शनल बनाने के लिए या तो इसके आकार में वृद्धि करनी चाहिए या क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसके फीड हॉर्न्स की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए, या ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि की जानी चाहिए, या इसके इन्फेक्टिव आइसोट्रॉपिक रेडिएटिव पावर यानी कि EIRP में वृद्धि करनी चाहिए, या इसके फुटप्रिंट में वृद्धि करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करनी चाहिए। या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ और या तो लंबाई बढ़ा लो, अगर दोनों में से कोई से भी बढ़ाते हो तो एंटीना की डायरेक्शनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करने वाले स्थान निम्न में निम्न की सुनिश्चितता के लिए स्थिर रूप से समुद्री पूर्वी तट पर स्थित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट त्वरित रूप से प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त सिग्नल की फ्रिक्वेंसी में परिवर्तित कर देते हैं, प्लेन बदलाव के दौरान प्रणोदर ईंधन कम खर्च हो जाता है, या स्पेट रॉकेट मोटर तथा अन्य लॉन्चर के कचरे समुद्र में गिरते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च करने पर जो जो क्या करते हैं, उसकी जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं समुद्र तट पर, उसे हम क्या करते हैं, रॉकेट मोटर तथा अन्य लॉन्चर कचरे की सहायता से समुद्र में गिरा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है कि DZTH सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले केबल के नाम निम्नानुसार होते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कॉमस्कोप कोएक्सियल केबल होता है, या ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, या फिनोलेक्स होता है, या सभी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये सारे ही जो है केबल जो है DH DZTH में यूज़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे केबल यूज़ होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें पर्याप्त छोटी तरंग दैर्ध्य यानी कि माइक्रोवेव वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन संभव बनाता है? तो ये आपका होता है मैग्नेट्रॉन, यानी कि मैग्नेट्रॉन जो वो टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोवेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उत्पादन संभव बनाती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सिस्टम अर्धचालक डिवाइसेस वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर का उपयोग करता है? इसका ऑप्शन है, क्या वो स्टेटिक यूपीएस सिस्टम होता है, या डायनेमिक्स यूपीएस सिस्टम होता है, या अल्टरनेटर होता है, या सारे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे जो यूपीएस, ये सारे जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर में यूज होते हैं, ओके। तो यूपीएस की बात करें तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि अबाधित पावर सप्लाई देता है, और अल्टरनेट ये क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी एसी को डीसी में चेंज करता है, और अल्टरनेटर भी हमारा जो है कन्वर्टर है। तो ये सभी क्या है, पावर कन्वर्टर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स तथा सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर के उदाहरण है।
तो हमें पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑफ बैंड प्रिंटर। ये ऑफ बैंड प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रिंटिंग टेक्निक जिसमें धातु के टुकड़ों का उपयोग द्वारा अक्षर बनाए जाते हैं, ऐसी कौन सी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है? ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉन्ट, पेज फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट या पैराग्राफ फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो हमारा सॉलिड फॉन्ट है उसको धातु के टुकड़ों का उपयोग करके जो है इसमें मेटल की जो है ऐसे खांचे खांचे से बने होते हैं, उस मेटल के खांचों को जो है हीट करके पेपर पे, A4 साइज के पेपर पे जो है उसमें हम प्रिंटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सॉलिड फॉन्ट जो है इसमें धातु के टुकड़े का उपयोग किया जाता है। तो 21st का राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रौद्योगिकी का नाम बताइए जिसमें डीवीआर बोर्ड पर वीडियो सिग्नल तथा कंप्रेशन वीडियो सिग्नल दोनों कैप्चर करने के लिए किया जाता है। डीवीआर बोर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है डीवीआर का, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ओके, और ये जो है हार्डवेयर कंप्रेशन में यूज होता है वीडियो सिग्नल को, और वीडियो का सिग्नल है या कंप्रेशिंग वीडियो सिग्नल है दोनों को क्या करता है, ये कैप्चर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि हार्डवेयर कंप्रेशन डीवीआर में सिग्नल, वीडियो सिग्नल तथा कंप्रेशिंग वीडियो सिग्नल दोनों को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस सिस्टम का नाम बताइए जो मैकेनिकल इंजन जैसे कि मोटर व जनरेटर का उपयोग करता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है? क्या वो स्टैटिक यूपीएस सिस्टम है या डायनेमिक यूपीएस सिस्टम है या हाइब्रिड यूपीएस सिस्टम है या रोटरी यूपीएस सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रोटरी यूपीएस सिस्टम में जो है इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजन जैसे कि मोटर व जनरेटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। होम वीडियो रिकॉर्डर में सर्वाधिक सामान्य फॉर्मेट VHS होता है। VHS निम्न में किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्या ये वीडियो होम सिस्टम के लिए यूज होता है, वेरी हाई स्पीड के लिए, वीडियो हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड के लिए या वोल्टेज हाउस स्टैंडर्ड के लिए? तो VHS का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। VHS का फुल फॉर्म होता है आपका वीडियो होम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ही इसका राइट आंसर छुपा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VHS, यानी कि VHS का यूज जो है वीडियो होम सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं VHS का। ये VHS का फुल फॉर्म पूछा है, बात को बहुत घुमा दिया है इसने, पूछा है कि VHS निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो VHS होता है होम वीडियो होम सिस्टम के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं। ये है आपका कि टीवी सेट के एंटीना या केबल द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट जो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है क्या कहलाता है? तो हम इसे कहते हैं IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का, सॉरी इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये 25 का आपका हो जाएगा बी, RF कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो टीवी सेट एंटीना या केबल के द्वारा इनपुट फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है। हमारी जो डिश है उसमें भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आती है, हम रेडियो पे सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम IF की बात करें तो IF का मतलब होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, AF का मतलब होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और आपका जो SAP है इसको बोलते हैं सेकंड ऑडियो प्रोग्राम बोलते हैं, और RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का युग हम टीवी सेंट एंटीना या केबल का इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट जो कि फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, मतलब इसे हम टीवी में यूज़ कर सकते हैं RF को। तो ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे। और इसका जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो इसका मैं सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बना दिया है मैंने वैसे, तो आप उसे जो है चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।